सर मैं कल यहाँ पे क्या नाम है एमएससी के एडमिशन जो अपने लोगों के एडमिशन एडमिशन के लिए आए थे हम लोग, तो यहाँ पे जो एडमिशन की प्रक्रिया थी कल क्या नाम है तो आखिरी समय तक के क्या नाम है तो सही नियमावली के तहत क्या नाम है तो एडमिशन दिए गए, पर जो कॉलेज प्रशासन ने शाम के 6 बजे के बाद में जो क्या नाम है तो भरोसा ही चलाया और जो पैसे का लेन देन करके क्या नाम है तो लोगों के एडमिशन करवाए गए उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। जो 12 बजे रात में क्या नाम है तो अलॉटमेंट जारी करे गए, कुछ छात्र छूट गए और अलॉटमेंट जारी होने के बाद में उनकी फीस पेड नहीं हो पाई, आज वो एडमिशन से वंचित है। और जो बच्चे क्या नाम है तो गरीब बच्चे जो यहाँ पे आज गांव के जो बेचारे बच्चे खड़े थे कल यहाँ पे वो शाम तक के रात के 12 बजे तक के खड़े हुए थे वो एडमिशन से वंचित रहेगा, और जिन्होंने पैसा दिया तो कॉलेज प्रशासन को जिन्होंने पैसा दिया वो आज क्या नाम है तो एडमिशन लेके अपने घर जा चुके हैं। तो क्या हमें ये भी जानकारी लगी थी कि जिनके अधिक परसेंट को प्रेस नहीं मिला कम परसेंट वाले को प्रेस जी ये नहीं ये कल जो आखिरी लिस्ट निकली थी उसमें परसेंटेज वाइज ही सब लोगों को एडमिशन दिए गए, पर जो उसके बाद में जो रात में जो कॉलेज प्रशासन ने अपने लोगों के एडमिशन करवाया पैसे लेकर के वो उसमें हुआ है सर, ये सब जो कम परसेंटेज वालों के एडमिशन ले लिए गए और ज़्यादा परसेंटेज वालों को छोड़ दिया गया। अरे राशि लेकर भी यहाँ प्रवेश दिया जाए जी जी राशि लेकर के दिया गया है सर, इसमें सबूत है उसमें लोगों को क्या नाम है तो दिया गया है पैसे लेकर के और एडमिशन आपको हो गया। इस तरह से अगर राशि लेते तो मेहनत कर रहा रहता है ये जो अभी सर हम भी तो चाह रहे हैं जो गरीब बच्चा है जो जिन्होंने मेहनत करके पढ़ा है उन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि उनके पास पैसा देने के लिए नहीं था तो उन लोगों ने कॉलेज प्रशासन आप आए हैं तो मैंने कॉलेज प्रशासन से ये बात किया कि आपने पैसे लेकर के बच्चों के एडमिशन करवाए और आप क्या नाम है जो बच्चे पैसा नहीं दे पाए उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा तो वो ये बोल रहे हैं कि आप सबूत लाइए। मैं बोलता हूँ बच्चा आपके सामने बोल रहा है कि आपने एडमिशन पैसे लेके करवाए हैं, आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, कलेक्टर द्वारा इसकी जाँच होना चाहिए कि इस कॉलेज में रात में जब सब बच्चों को भगा दिया गया तो उसके बाद में किस लिस्ट के आधार पर किस आधार पर क्या नाम है तो लोगों को एडमिशन दिए गए और किसके एडमिशन हुए, प्राइवेट कैफे से कैसे एडमिशन हुआ, प्राइवेट अपने घर में जाकर के कैसे एडमिशन हुआ और यहाँ पे फिर रात में 12 बजे कैसे एडमिशन हुआ, ये हमको जानकारी चाहिए इस चीज़ की। और नहीं होता तो फिर क्या करें? नहीं होता तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे और जो छात्र छात्राएं क्या नाम है तो एडमिशन से वंचित है वो जाकर के कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपेंगे।